सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेमंत फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेमंत फॉर यू। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपना बिजनेस कार्ड या पर्सनल कार्ड आप किस तरह से बना सकते हैं खाता बुक ऐप से। ठीक है, जैसे भी दुकान पर जाते हैं तो वो आपको क्या करता है, तो वो आपका अपना कार्ड देता है। तो इस तरह से आपका भी कोई प्रोफेशनल है, आपकी कोई शॉप है, अगर आप उसका कार्ड बनवाना चाहते हैं तो किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको बन जाएगा, आपको केवल एडिट करना है, बड़ा सिंपल है कार्ड बनाना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको खाता बुक मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, या फिर आपको इस प्ले स्टोर पर जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं खाता बुक से रिगार्डिंग। जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि खाता बुक एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, यहाँ पर अपना अकाउंट आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई छोटा सा दुकान है या बहुत सारे बिजनेस हैं तो उन सभी बिजनेसों का लेन देन आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो आपको पेन एंड पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कोई भी रुपए का लेन देन करना है, तो आप वहाँ पर लिखते हैं, सारा प्रोसेस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप ऑनलाइन सारा सेव कर सकते हैं, वो आपका सेव रहता है। ठीक है, प्लस अगर ये भी है कि अगर आपका ये जैसे इस मोबाइल पे आपका लॉगिन है, अगर आपका ये मोबाइल क्रैश हो गया, खो गया, तो हो सकता है कि आपका डेटा लॉस हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, आपका डेटा हमेशा सेव रहेगा आपके अकाउंट में। आपका नया मोबाइल जब भी आएगा तो नया मोबाइल पर अपना खाता बुक को लॉगिन कर लीजिएगा, आपका सारा अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, तो खोने का भी कोई डर नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पर अपना कार्ड बनवाएंगे, बिजनेस कार्ड। तो आपको क्या करना है कि सबसे नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पहला होम का, दूसरा मनी का, तीसरा मोर का। तो यहाँ पर हम लोगों को मोर पर क्लिक करना है। मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पहला वाला ऑप्शन मिल जाता है बिजनेस कार्ड का, तो बिजनेस कार्ड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खाता बुक ने आपके लिए जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसके पास, उस अकॉर्डिंग उसने यहाँ पर आपके लिए काफ़ी खाता बुक के बना दिए हैं अपने आपके कार्ड। आपको जो भी कार्ड यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया, पंपलेट दिया हुआ, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसको एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से ये वाला कार्ड है, इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर एडिट का ऑप्शन दिया हो, तो एडिट पर मैं क्लिक कर, तो देख सकते हैं ये वाला कार्ड है। तो आपको यहाँ पर बिजनेस टाइप सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस टाइप आपका नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बिजनेस टाइप आपका ये वाला आ गया, तो कोई भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रिटेलर शॉप हो गया, होलसेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, सर्विसेज हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, या फिर अदर है। ठीक है, तो मैं अदर पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर अपना बिजनेस टाइप आप मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ये लिख दिया और यहाँ पर नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो अब यहाँ पर आपका एड्रेस फिल करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पर मैंने फिल है, अगर आपको और एक्यूरेटली फिल करना है तो यहाँ पर अपना फिल कर दीजिएगा, जो भी है जहाँ पर भी आपका ऑफिस है, और नेक्स्ट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका नेम इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो नेम फिल कर दीजिएगा, और ठीक है, जैसे कि मेरा ऑलरेडी ले लिया है जी, क्योंकि मैंने जब खाता बुक पर अपना अकाउंट बनाया था तो मैंने फिल किया हुआ, तो इसने ऑटोमेटिक ले लिया, तो नेक्स्ट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका नेम आ गया, यहाँ पर आपका डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस टाइप आ गया, और कैटेगरी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं बिजनेस कैटेगरी, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर अदर्स पर मैं क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पर दिया हुआ डिजिटल मार्केटिंग का, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर लिया और सेव पर मैं क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह से मेरा कार्ड एकदम तैयार हो गया, और यहाँ पर आपका ऑप्शन मिल जाता है शेयर करने का, यहाँ पर आपका मिल जाता है डाउनलोड करने का, तो मैं डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। तो अलाउ कर दिया मैंने यहाँ पर, तो हमारा डाउनलोड हो चुका है, और मैं गैलरी पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा कार्ड यहाँ पर मेरा बन चुका है, यहाँ पर हेमंत कुमार डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, प्लस का यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, और भी चीज़ें अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप किसी को भी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर पर आप क्लिक करके इसको शेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है, तो आप जहाँ पर भी शेयर करना चाहें उसको शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं व्हाट्सअप पर शेयर करना चाहता हूँ, तो मैंने व्हाट्सअप पर यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये शेयर कर दिया, तो ये मेरा बिजनेस कार्ड यहाँ पर शेयर हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर खाता बुक पर अपना कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल कार्ड है, आप इसको यूज कर सकते हैं, और इसी तरह से आप जितने भी कार्ड चाहें उतने टाइप के कार्ड यहाँ पर बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको वीडियो पसंद प्लीज़ लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल की हुई है उसी इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग आपके सारे कार्ड यहाँ पर बन के आ चुके हैं। ठीक है, तो आप किसी भी कार्ड को जो भी आपको अच्छा लगता है उसको शेयर कर सकते हैं, या उसका प्रिंट लेके आप हार्ड कॉपी बना सकते हैं और उसको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।